हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राज बीजापुर सॉक्टा पैड। सो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज का कंटेंट मैं एक व्लॉग की तरह शूट कर रहा हूं, क्योंकि आज अभी तक मैं हॉस्पिटलाइज हुआ एंड इंट्रोड्यूसिंग वीडियो बनाने की हालत में नहीं हूँ। सो आज एक भैया मेरे पास में टॉन बैकअप के लिए आए थे, अपने SPD-SX में बैकअप लोड करवाने के लिए आए थे। तो उनका ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उनका जो ये SPD-SX उन भैया का है, तो उनका ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उनके पास में जो SPD-SX है उसका वर्जन 1.06 है एंड उनके जो SPD-SX में जो कार्ड है, मेमोरी कार्ड, वो भी 4GB का है। तो 4GB कार्ड की वजह से इनके पास में ऑलरेडी डेटा बहुत सारा लोडेड है एंड इनके पास में रिमेनिंग मेमोरी यानी कि जो बची हुई मेमोरी वो भी 1GB है, और मेरे पास में जो SPD-SX का डेटा है वो 2GB प्लस है, ठीक है। तो अभी इसमें आएगा नहीं कार्ड की वजह से, तो उसके लिए हम इस SPD-SX को पूरा फॉर्मेट करने वाले आज लाइव। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बता दूं गाइस, जैसे ही कीबोर्ड में फैक्ट्री रिसेट का ऑल डेटा फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, वैसे SPD-SX में ऑल डेटा फॉर्मेट का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं आता है। मतलब एक ही बार में, एक ही क्लिक में हम पूरे SPD-SX का डेटा कहीं से भी, किसी भी स्विच से डिलीट नहीं कर सकते, फॉर्मेट नहीं कर सकते। ऐसा कोई ऑप्शन SPD-SX में आता ही नहीं है। अगर SPD-SX के बैकअप को, SPD-SX के डेटा को पूरा फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए एक अलग से फाइल आती है रोलैंड की, पर्सनल साइट पे जाके इंटरनेट के जरिए हम उस फाइल को पेन ड्राइव की हेल्प से इसमें इंसर्ट करते हैं और फिर ये काम होता है। तो उसके लिए वो फाइल आपको कहाँ से, कहाँ पे मिलेगी और पेन ड्राइव में उसको कहाँ पे अटैच करना है, उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इस लिंक के जरिए आप उस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको कैसे अटैच करना, कहाँ पे इंसर्ट करना, वो सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने पेन ड्राइव में, मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है वो फाइल, तो मेरे पेन ड्राइव में है और मैं अभी इन भैया का ये जो SPD-SX है ये आपके सामने लाइव अभी फॉर्मेट करने वाला हूँ। उसके अलावा गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये जो एक आपको दिख रहा है इक्विपमेंट के तौर पर, ये कनेक्टेड है USB कनेक्टेड, क्योंकि गाइज मैं अपना सारा काम, मेरे पास में कोई भी PC सेटअप नहीं है या कोई भी लैपटॉप नहीं है, मैं अपना सारा काम फ़ोन से ही करता हूँ और फ़ोन पे ये सब बैकअप वाला काम करने के लिए आपको एक छोटे से कनेक्टेड की ज़रूरत पड़ती है। ये फाइल भी अगर आप डाउनलोड करोगे फ़ोन से तो भी आपको कनेक्टेड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कनेक्टेड की हेल्प से आप अपने मोबाइल में वो सारा काम कर सकते हो, वो फाइल देख सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो। तो ये देख लीजिए कनेक्टेड, ये आपको मोबाइल फ़ोन की दुकान पे अच्छे से मिल जाएगा, आप आराम से ऐसा कनेक्टेड ले आओ, क्योंकि वो वाला वीडियो देखने के बाद में भी आपको इस कनेक्टेड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैंने पेन ड्राइव अटैच करके रखा है, वो जो फाइल है वो भी इंसर्ट करके रखी है पेन ड्राइव में। तो यहाँ से सीधा शुरू करते हैं कि SPD-SX को फॉर्मेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ काम हो रखा है, तो उसके लिए अभी फॉर्मेट करने के लिए सीधा सा प्रोसेस है, आपको मेन्यू प्रेस करना है। मेन्यू के बाद में आपको आना है यूटिलिटी पे, ठीक है, यूटिलिटी पे आना है। यूटिलिटी पे आके थर्ड वाला ऑप्शन जो है लोड USB मेमोरी, ठीक है, लोड USB मेमोरी पे जाना है। लोड USB मेमोरी के बाद में आपको ऑल पे आना है। ऑल पे आने के बाद में वापस आपको एक बार एंटर प्रेस करना है। अब देख लीजिए गाइज, ये या जो नीचे जो देव लिखा हुआ है ये मेरा मेन बैकअप है, ऑलरेडी उसमें पेन ड्राइव में अवेलेबल है। और ये जो डी नाम से जो एक आपको दिख रहा है, देख लीजिए अच्छे से स्क्रीन पे, ये जो डी नाम से दिख रहा है वो है इस SPD-SX का फैक्ट्री रीसेट डाटा, ठीक है। डी नाम से आप कोई भी नाम लिख के आप सेव कर सकते हैं, मैंने डी नाम ऐसे ही लिख लिया था रैंडमली। तो ये डी नाम से ये है फाइल, और उसको अभी आपको यहाँ से सिंपली वापस एंटर कर लेना, ठीक है। यही आपको जब डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि आपको उसको, उस फोल्डर को कैसे नाम लिख के सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने सब कुछ करके रखा है, तो यहाँ से बिल्कुल एंटर प्रेस करेंगे। अभी एंटर प्रेस करने के बाद में एक बार वापस श्योरिटी के लिए एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में ये देखिए बिल्कुल वो फाइल जो फैक्ट्री रीसेट डाटा का फाइल है वो भी यहाँ से प्रोसेसिंग होना चालू हो जाएगा। हालाँकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, वो डिपेंड करता है आपके डेटा पे कि आपके SPD-SX में कितना डेटा लोडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला गाइस, हम अपन वीडियो को थोड़ा सा पाउज कर लेंगे एंड उसके बाद में जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपको सिंपली एंटर दबाना है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन थोड़ा सा वीडियो को
फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए गाइज, तो काफ़ी देर वेट करने के बाद में अभी ये कम्प्लीटेड होने वाला है आपके सामने। जस्ट कुछ ही हो गया कम्प्लीटेड। कम्प्लीटेड होने के बाद में आपको जस्ट एंटर प्रेस कर लेना है और उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये कुछ कंपनी बेडेड टोन्स है जो आपको शो भी हो रहे और सुनाई भी दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो ऑल डेटा था वो सब कुछ हो गया। जैसे अपना न्यू परचेज करते हैं SPD SX, बस उसी हालत में ये पैड पूरा हो गया है। इसमें टोटल लिस्ट भी अगर आप चेक करना चाहेंगे तो देखिए, ये मैंने प्रेस किया, यूटिलिटी पे आए, ये आ गए वेव लिस्ट पे। ठीक है, अब वेव लिस्ट पे डायरेक्ट जंप करके देखते हैं इनको। इनमें भैया के इस SPD SX में 1900 प्लस वेव्स पड़े थे और अभी ये कंपनी वाली वेव्स है। देखिए कंपनी वाली वेव्स है, ये टोटल 200 वेव्स कंपनी की है, उसके अलावा इसके SPD SX में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी दोनों सॉल्यूशन हो गया है, इनका वर्जन भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, और जो इनका मेमोरी कार्ड वाला प्रॉब्लम था वो भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी भी, क्योंकि जो मेरा डेटा है वो 2GB का है तो इनका 4GB कार्ड है ऑलरेडी, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इसी तरह से फैक्ट्री रिसेट की हेल्प से आप अपने SPD SX को पूरी तरह से ऑल डेटा फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, ये फाइल कहाँ से डाउनलोड होगी एंड कहाँ पे मिलेगी, कैसे इसको इंसर्ट किया जाएगा पेन ड्राइव में, ये सब कुछ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आइए और वहाँ पे आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उस लिंक के जरिए आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेंट में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी म्यूजिशियन भाइयों को जय माशा दें।